बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक का बेटा चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 और उसका बेटा जो लास्ट वाला 6th वाला क्वेश्चन है उसके लास्ट वाले 3 पार्ट, थर्ड वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला जो है बेटा। इसमें आपके पास जो डाटा दिया हुआ है बेटा उसमें थर्ड वाले पार्ट में ये दिया हुआ है लॉग 64 की पावर 8 इज इक्वल टू एक्स ओवर 2। अब बेटा इसको आपने उसी मेथड से सॉल्व करना है जिससे आपने लास्ट वाले क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और ये अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के जितने पार्ट किए हैं इसको भी बेटा उसी से करना है। अब उसमें होता क्या है, आपके पास जो वैल्यू दी हुई है बेटा इसमें आपने लॉग को ख़त्म करना होता है और लॉग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ये बेटा जो लॉग की पावर होती है ये दूसरी वाली वैल्यू से एक्सचेंज हो जाती है इधर और ये इधर चली जाती है, ठीक होगा। यानी आपके पास 64 के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, एक्स ओवर 2 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी और ये 8 जो है वो इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा। ये बड़ा अहम फार्मूला है बेटा। इस फार्मूले के रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, इनमें से 2 क्वेश्चन पेपर में जो है वो आ जाते होते हैं। अच्छा बेटा, अब ये जो 64 है ये बेटा आपने इसको भी 8 में चेंज करना है क्योंकि इस साइड पे 8 है तो इधर भी आपने 8 बनाना है। तो अब 8 की पावर जो अगर हम 2 लें तो वो 64 होता है क्योंकि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो वो 64 होता है। ऊपर पावर है x ओवर 2 इज़ इक्वल टू 8। अब बेटा ये 2 बटे के नीचे है, ये ऊपर है, कट गया तो 8 की पावर कितनी आ गई बेटा, x आ गया और इक्वल के इस साइड पे 8 की पावर बेटा कुछ नहीं आया। और ये मैंने आपको बताया था जिस रकम की कोई पावर ना दी हो उसकी पावर कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो जब नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ बेटा सेम है, ये वाली इसके इक्वल है, तो इसका मतलब फिर ऊपर वाली पावर्स भी इक्वल होंगी तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें आपने एक्स फाइंड करना था ये वाला और उसका आंसर कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। तो ये आपका थर्ड वाला पार्ट भी हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। फोर्थ वाले में बेटा जो डाटा दिया हुआ है इसमें भी सेम वही फार्मूला आपने अप्लाई करना है। तो उसके लिए आप जब लॉग को ख़त्म करोगे तो ये जो एक्स है इसके ऊपर बेटा पावर क्या आ जाएगी, ये वाला 2 इधर चला जाएगा और ये वाला 64 जो है वो इधर आ जाएगा। तो 2 इसकी पावर में आ गया और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या चला गया, 64। अब बेटा आपने एक्स फाइंड करना है, एक्स ये जो एक्स जो वेरिएबल दिया होता है वो हमने फाइंड करना होता है, एक्स वाई या ए बी में से जो भी है। अब बेटा इस एक्स के ऊपर क्या है, स्केयर है ये वाला, इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए हमने इस तरफ स्केयर रूट ले लिया, जजर ले लिया। तो बेटा मैथ का ये रूल होता है जब आप स्केयर रूट लेंगे तो वो दोनों साइड पे लेना पड़ेगा, यानी टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, आपने दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लिया है। अब बेटा ये स्केयर इस स्केयर रूट से कट गया तो क्या रह गया, एक्स। और 64 का स्केयर रूट कितना होता है बेटा, 64 का स्केयर रूट लें आप कैलकुलेटर से तो वो 8 आता है और हमने एक्स फाइंड करना था तो वो बेटा हमारा फाइंड हो गया, एक्स का आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। अब बेटा इसका फिफ्थ वाला लास्ट वाला जो पार्ट है उसको करते हैं जिसमें डाटा दिया हुआ है लॉग 3 की पावर एक्स इज इक्वल टू 4। इसको भी बेटा सेम आपने उसी मेथड से करना है, लॉग को ख़त्म करेंगे तो 3 और 3 के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी बेटा, ये 4 इस साइड पे चला जाएगा और एक्स दूसरी साइड पे, तो 4 आ गई पावर इक्वल टू एक्स, यानी एक्स इक्वल आ गया बेटा 3 की पावर 4, ये इसके इक्वल है। तो हमने एक्स को इस साइड पे लिख लिया और दूसरी वैल्यू को दूसरी साइड पे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बेटा आपने एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर 4 लेनी है, 3 की पावर 4 लें तो बेटा वो 81 होता है, कितना होता है, 81, ये बेटा इसका आंसर है। ये 3 की पावर 4 लेते हैं कैसे, इसके दो मेथड हैं, या तो 3 को 3 जो है वो 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लो बेटा तो वो 81 आ जाएगा, 3 को 3 से करेंगे 9, 9 को 3 से 27 और 27 को 3 से करेंगे तो 81 आ जाएगा बेटा आपका। या ये तरीका है, या आप क्या करें पहले लिखें 3 कैलकुलेटर से फिर उसके ऊपर ये वाला सिंबल पावर का, मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको लेना भी सिखाई है, और फिर आप बेटा क्या कर दें 4 का बटन दबाएं और फिर इक्वल का बटन दबाएं तो वो आपको आंसर कितना दे देगा, 81 दे देगा। तो ये बेटा आप जिस तरह से मर्जी पावर ले सकते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ तक था, थर्ड वाला, ये फिफ्थ वाला पार्ट, ये फोर्थ वाला और ये थर्ड वाला,
इसके साथ ही बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है और जो आपकी एक्सरसाइज 3.2 है वो भी कंप्लीट हो गई है। अगर बेटा इसमें आपको कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर बेटा इनके आपको नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।